कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर अर्थशास्त्र का 83 परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट रहे थे कि अर्थशास्त्र का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका अर्थशास्त्र का पेपर आ चुका है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही पूरा अंक आपका 80 अंक रहेगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला और आप यहाँ पर देख लीजिए 83 परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र। और आपका यहाँ पर निर्देश आता सभी प्रश्न करना नहीं बारह में आपका दूसरा निर्देश आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तु प्रश्न जिनके लिए 32 अंक निर्धारित हैं। फिर आपका तीसरा निर्देश आता है चौथा पाँचवा, ठीक है। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं। आप चलिए स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर अर्थशास्त्र का पेपर वो देख लेते हैं, तो थोड़ा आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं। तो फिर आता है जब आंकड़ों को समय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो इसे कहा जाता है। तो आपका इसका ऑप्शन आता है स्थानिक वर्गीकरण, बता कलानुक्रमिक वर्गीकरण और साथ गुणात्मक वर्गीकरण, दाता इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बा रहने वाला, ठीक है। बा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलानुक्रमिक वर्गीकरण। फिर आपका जो यहाँ पर दूसरा आता भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका आपका ऑप्शन आता है 1947, बाता 1948, साता 1949 और दाता 1950। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका 1950 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है तीसरा सांख्यिकी के जन्म जाता है, तो इसका आपका ऑप्शन आता मार्शल, बाता एचनवाल और साता गाल्डन और दाता बावले। तो यहाँ पर सांख्यिकी के जन्मदाता हैं, तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा, इसका राइट आंसर आपका एचनवाल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना और सुनना है जिससे ये पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पर याद कर लेने हैं। फिर आपका चौथा आता भारत में रेल सेवा प्रारंभ हुई थी 1863 में, बाता 1873 में, साता 1853 में, दाता 1883 में। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया भारत में रेल सेवा प्रारंभ हुई थी, तो इसका राइट आंसर आपका रहने वाला, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका 1853 में हो जाएगा। फिर जो आपका आता है पाँचवा तृतीय क्षेत्र में शामिल है सेवाएँ, और बाता आपका उद्योग और साता कृषि और दाता आखेट। तो यहाँ पर तृतीय क्षेत्र में शामिल है सेवाएँ, तो सेवाएं आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका आता है छठवां निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया है, तो इसका राइट आंसर आपका दा हो जाएगा इनमें सभी। तो इस तरह से आपके जो सही विकल्प 6 नंबर वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थानीय पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका आता है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृषि क्षेत्र में उत्पादकता का स्तर 52% था, ठीक है, 52% आपका इसका आंसर रहने वाला है। फिर आपका आता है नियोजित आर्थिक व्यवस्था में आर्थिक सच्चता का डॉट हो जाता है, तो इसका जो आंसर है वो हम आपको वीडियो के लास्ट में कराएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा डाउट है, ठीक है। तीसरा आता केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ माप है माध्य है, तो इसका आंसर आपका माध्य हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है। फिर जो आपका आता है चौथा वर्गीकरण डॉट का आधार है, ठीक है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे क्योंकि इसमें भी थोड़ा डाउट है। फिर पाँचवा आता है स्वतंत्रता से पूर्व डॉट उद्योग का केंद्रीयकरण बंगाल राज्य में था, ठीक है, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं अभी के लिए। और जो छठवा आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक साहसी अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है, तो इसका आंसर आपका अधिकतम हो जाएगा, ठीक है, अधिकतम। अब चलिए आपके यहाँ पर जो हमने, ठीक है, आपका जो यहाँ पर दूसरा रिक्त स्थान चौथा और पाँचवा इनके आंसर वीडियो के लास्ट में आपको करा दिए जाएंगे। और साथ ही आपका प्रश्न 3 आता है सत असत का चयन करके लिखिए, तो पहला आता है सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं, तो ये आपका यहाँ पर रहने वाला सत्य, ठीक है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया दूसरा जटिल तत्वों को सांख्यिकी सरल रूप में प्रस्तुत करती है, तो ये भी आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया सम्यक तत्वों के समूह होते हैं, तो ये भी आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला है। और जो साथ ही चौथा आता है गुणात्मक तत्वों का सारणीकरण किया जा सकता है, तो ये भी आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला है। फिर आपका आता है पाँचवा वर्गीकरण काल्पनिक आधार पर नहीं हो सकता है, तो ये आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और साथ ही जो आपके यहाँ पर दिया गया छठवां सरकारी प्रकाशन द्वितीयक सम्यक होते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सत्य रहने वाला है। तो इस तरह से आपके असत्य यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न आपका 4 आता है सही जोड़ी बनाइए, ठीक है, स्तंभ आ और बा में आपके यहाँ पर सही जोड़ी दी गई हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर पहली आती है, तो पहली आपके यहाँ पर आती है राष्ट्रीय आय की गणना,
तो राष्ट्रीय आय की गणना आपको मैच करना है दादा भाई नौरोजी से, ये आपके यहाँ पहली हो जाएगी। फिर आपकी दूसरी आती है भारत में प्रथम जनगणना, तो इसको आपको 1881 से मैच करना है। जो तीसरी आती है आपकी औद्योगिक नीति, तो औद्योगिक नीति को मैच करना है आपको यहाँ पर, ठीक है, 1965 से ये आपकी औद्योगिक नीति मैच हो जाएगी। फिर जो आपकी चौथी आती है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, तो इसको आपको 1952 से मैच करना है, ये आपकी चौथी रहने वाली है। फिर पाँचवीं आती है उद्योग, ठीक है, उद्योग निर्माण, तो इसको आपको द्वितीय क्षेत्र से मैच करना है। जो छवीं आती है आपकी यहाँ पर स्विज नदी का प्रारंभ, तो इसको आपको 1869 से मैच करना है। और जो आपकी आती है संचयी आवृत्ति वक्र, तो इसको आपको यहाँ पर ओजाइव वक्र से मैच करना है, तो ये आपकी सातवीं हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी सही जोड़ी मैच हो जाती हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर ली होंगी, ठीक है, और साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए प्रश्न 5 आता है, एक सदभाग मोहतदीजी आपके 7 नंबर के आते हैं, तो पिलाता अनुसंधानकर्ता द्वारा एक, ठीक है, या एकत्रित सम्मक क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर रहेगा प्राथमिक सम्मक कहलाते हैं, ठीक है, प्राथमिक सम्मक इसका आंसर आपका आंसर रहने वाला है, प्राथमिक सम्मक, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। और साथ ही आपका यहाँ पर आता दूसरा, उस सांख्यिकी विधि का नाम बताइए जो कम खर्चीली है, तो इसका आंसर रहने वाला प्रतिदर्श विधि, ठीक है, प्रतिदर्श विधि इसका आंसर आपका हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया, भारत में जनसंख्या की गणना के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो इसका आंसर रहने वाला सर्वेक्षण विधि, ठीक है, सर्वेक्षण आपका इसका आंसर रहेगा। और जो आपका आता वर्तमान में आर्थिक क्रियाओं का मुख्य आधार क्या है, तो इसका आंसर रहेगा उत्पादन उपभोग निवेश, ठीक है, उत्पादन उपभोग और साथ ही आपका यहाँ पर निवेश हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है, उत्पादन उपभोग निवेश। फिर आपका आता अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो इसका आंसर रहेगा एडम स्मिथ, एडम स्मिथ आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर जो पांचवा दिया था एक सदभाग में, तो वो कंप्लीट हो जाता है। छठवां आता आर्थिक क्रिया से क्या अभिप्राय है, और जो आपका आता सातवां एक वचन में सांख्यिकी को क्या कहा जाता है, तो सातवें का आंसर रहेगा सांख्यिकी विज्ञान या, ठीक है, सांख्यिकी विज्ञान या सांख्यिकीय विधियाँ, ठीक है। जो आपका छठवां का आंसर है वो खुद कर लेना आपको। जो सातवां दिया है एक वचन में सांख्यिकी को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर रहेगा सांख्यिकी विधि विज्ञान, सांख्यिकी विज्ञान या सांख्यिकी विधियाँ। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 6 आता है, अर्थशास्त्र के विभागों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर आंसर देख लीजिए, इसका आंसर रहने वाला वर्तमान में अर्थशास्त्र का अध्ययन 2 भागों में किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, आपका आंसर रहेगा। तो इसको आपको याद कर लेना है। और जो साथी जो इसका आपका अथवा दिया गया था राजस्व से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता सातवां आर्थिक समस्याओं के कारण बताइए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर रहेगा आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के 3 मुख्य कारण हैं, ठीक है, असीमित मानवीय आवश्यकता और सीमित साधन और संसाधनों के चुनाव की समस्या, ये आपका सातवें प्रश्न का उत्तर रहेगा। तो इसको आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो इसका अथवा दिया सांख्यिकी क्या है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आठवां आता है सांख्यिकी की 2 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी सांख्यिकी विशेषताएं दी गई हैं, तो इनको आपको यहाँ पर याद करना है, ठीक है, 3 विशेषताएं हैं, तो यहाँ से कोई 2 विशेषता आपको याद कर लेनी है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो इसका अथवा आता अर्थशास्त्र के अध्ययन में सांख्यिकी का महत्व लिखो, तो इसका आंसर खुद करना है। फिर आपका नौवां था प्राथमिक सम्मक किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक सम्मक भी सम्मक होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता प्रयोग में लाने के लिए पहली बार स्वयं एकत्रित करता है, ठीक है। इस तरह से आपका 9वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, तो इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। और जो इसका आपका अथवा दिया गया जनगणना से क्या आशा है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 10वां आता सारणीयन का क्या अर्थ है, ठीक है, तो इसका जो आंसर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर दिया गया सारणीयन का क्या अर्थ है, सारणीयन तुलना और सांख्यिकी विश्लेषण को आसान बनाने के लिए पंक्तियों और स्तंभों में आंकड़ों का व्यवस्थित
और तार्किक प्रतिनिधित्व है। यह संबंधित सूचनाओं को एक दूसरे के करीब लाकर तुलना को आसान बनाता है और सांख्यिकी शोध और व्याख्या में आगे मदद करता है। ठीक है, इस तरह से आपका 10वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया अथवा समांतर माध्य का सूत्र लिखो, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। ठीक है, हम दोनों में से आपको एक का आंसर कराने वाले हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, एक आदर्श माध्य के गुण लिखो, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ए रहे आपके एक आदर्श माध्य के गुण, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर, ठीक है, पहला गुण आता, दूसरा आता माध्य समक का प्रतिनिधि होना चाहिए। फिर आपका तीसरा गुण आता माध्य निकालने तथा समझने में सरल होना चाहिए। ठीक है, तीन गुण यहाँ से याद कर लेने आपको, कोई तीन। ठीक है, आपका 11वें का आंसर हो जाता है समाप्त। अब चलिए आपके यहाँ पर जो दिया गया है 12वां, ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ बताइए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका बाजार अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन आपूर्ति और मांग द्वारा निर्धारित होता है। बाजार अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं और व्यवसायों के बीच बातचीत या निर्धारित करती है कि क्या उपलब्ध है और किस कीमत पर। ठीक है, इस तरह से आपका 12वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर 12वें का यहाँ पर अथवा देख लेते हैं, तो स्टूडेंट आपका 12वें का अथवा आता आर्थिक नियोजन से क्या आशा है। फिर आपका 13वां आता राष्ट्रीय आय का अर्थ बताइए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए राष्ट्रीय आय तो राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी देश की सीमाओं के भीतर किसी निश्चित समय अवधि में उत्पादित सभी अंतिम सेवाओं और वस्तुओं के कुल मूल्य से हैं। इसमें सकल घरेलू उत्पाद GDP और शुद्ध राष्ट्रीय आय NNI दोनों शामिल है। यह आपका 13वें का उत्तर यहाँ पर हो जाता है। फिर जो आपका इसका अथवा दिया गया सतत विकास से क्या आशा है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 14वां आता बिंदु रेखीय प्रदर्शन से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर आप यहां पर देख लीजिए, बिंदु रेखीय प्रदर्शन एक गणितीय प्रणाली है। इस विधि के अंतर्गत विभिन्न समय बिंदुओं पर चर राशि के परिमाण को प्रतीकों अथवा आकृतियों की संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य सांख्यिकी आंकड़ों के मुख्य तत्वों को सहज तथा सरलतम रूप में व्यक्त करना होता है। ठीक है, आपका आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर इसका जो यहाँ पर दिया गया बारंबारता वितरण क्या समझाइए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर 15वां आता बिस्तर का सूत्र लिखो, ठीक है, 15वां आपको बिस्तर का सूत्र लिखना है, तो बिस्तर का सूत्र आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका बिस्तर का सूत्र यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, L-S/L+S ये आपका बिस्तर का सूत्र रहने वाला है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए पूर्व मार्शल की परिभाषा दीजिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपको सुरमाता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर, ठीक है, प्रश्न 16वें का उत्तर दिया गया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। ठीक है, तो आपको पूरे यहाँ पर अच्छी ऐसे विशेषताओं को याद कर लेना। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इसका अथवा आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था की गुण लिखो, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर 17वां आता सांख्यिकी विधियाँ क्या हैं उनके नाम लिखिए, ठीक है, और जो इसका अथवा आता आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो ये आपका, ठीक है, 17वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, ये आपका अंतर दिया गया है, तो आपको अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, तीन अंतर यहाँ से आपको याद कर लेने हैं। फिर आपका जो यहाँ पर आता 18वां प्राथमिक आंकड़ों एवं द्वितीयक आंकड़ों में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका प्राथमिक आंकड़ों और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर है, तो इसको आपको याद करना है। ठीक है, तो अच्छे से अंतर याद कर लीजिएगा। चार अंतर यहाँ पर दिए गए हैं, तो कोई तीन अंतर आपको यहाँ से याद कर लेने, क्योंकि आपका 3 नंबर का है। अब चलिए आपका जो यहाँ पर दिया गया अथवा जनगणना विधि द्वारा सर्वेक्षण में आने वाली समस्याएँ बताइए। फिर आपको 19वां आता निम्न आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात करो, तो आपको समांतर माध्य किस तरह से निकालना आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, आपको यहाँ पर सॉल्व करके हमने दिखाया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से सॉल्व आपको करना आंकड़ों से समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य बराबर संख्याओं का युग बटे में कुल संख्याएं, तो आपको इन सभी को जोड़ना है और जितनी संख्या उसका भाग देना है, तो समांतर माध्य आपका निकल के आ जाएगा। और साथ ही आप इसका अथवा देख लीजिए, फिर आपका 20वां आता प्रश्नावली किसे कहते हैं, एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं लिखिए, अथवा आता भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व की व्याख्या कीजिए, 21वां आता, ठीक है, आप 21वां देख लीजिए, 22वां आता माध्य का क्या, इसकी गणना कैसे की जाती है, इसका अथवा आता अनुसंधान में सांख्यिकी का महत्व स्पष्ट कीजिए। और फिर आपका यहाँ पर 23वां प्रश्न आता, 23वां प्रश्न देख लीजिए, तो इस तरह से आपका यहाँ पर अर्थशास्त्र का पेपर कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो आपके 4 नंबर के प्रश्न हैं इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और पेपर का PDF है। ठीक है, PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।